प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह उनकी तीसरी संतान थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान को ही बाद में स्वामी महावीर के नाम से जाना गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो वसाड़ गांव है, वही उस समय का वैशाली था। लगभग 2500 साल पुरानी बात है। महावीर को वीर, अतवीर और सन्मत भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतवीर और महावीर, सन्मत ऐसे पांचों नामों का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी को एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था। हिंसा, पशुबल, जात पात के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए, उसी युग में महावीर और बुद्ध दोनों पैदा हुए। दोनों ने इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। वर्धमान को लोग संजस भी कहते हैं और जसस यानी यशस्वी भी कहा जाता है। वे ज्ञात वंश के थे, गोत्र कश्यप था। वर्धमान के बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान का बचपन राजमहल में व्यतीत हुआ। वे बड़े निर्भीक थे। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आज चलाना सिखाने के लिए शिल्पकला में भेज दिया गया। भगवान महावीर की शादी परंपरा के अनुसार यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ हुआ विवाह कर दिया गया। कुछ लोगों का मत है कि भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था, भोगों में उनकी रुचि नहीं थी। महावीर की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदिवर्धन के कहने पर वे 2 वर्ष तक घर पर रहे। बाद में 3 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे श्रमण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में मग्न रहते थे, हाथ में ही भोजन कर लेते। गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्त हुई थी। तीर्थांकर महावीर का केवी काल 30 वर्ष का था। उनके संग में 14,000 मुनि, 36,000 आर्यिकाएं, 1,00,000 श्रावक और 3,00,000 श्रविकाएं थी। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्त हुई। उनके साथ अन्य कोई मुन मोक्ष नहीं गए।
अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें।